सुहालो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आप कैसे जो है YouTube के लिए एक प्रोफेशनल थंबनेल बना सकते हैं। क्योंकि अगर आप YouTube पर वीडियो बनाते हैं और वहां पर आपके वीडियो में व्यूज नहीं आता है, तो जहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो है एक प्रोफेशनल थंबनेल नहीं बना रहे होंगे। क्योंकि अगर किसी भी वीडियो में व्यूज आता है तो उसकी सबसे जो पहली चीज होती है वो थंबनेल होती है। क्योंकि अगर कोई भी व्यूअर आता है तो थंबनेल देखकर और वीडियो पर क्लिक करता है। सो अगर आप जो है जितना अच्छा थंबनेल बनाते हैं वहां पर आपको उतना ज्यादा व्यूज है। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे जो है एक हाई क्वालिटी और एक प्रोफेशनल थंबनेल बना सकते हैं। सो आप जो है इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। ये जो सारे प्रोसेस है मैं अपने जो है कंप्यूटर के स्क्रीन पर बताने वाला हूं। सो आप जो है ये सारे प्रोसेस अपने मोबाइल में भी कर सकते हैं, तो इसमें जो है आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो दोस्तों, हम यहाँ पर देखिए अपने जो है कंप्यूटर का स्क्रीन पर आ चुके हैं। और यहाँ पर सबसे पहले जो है आपको सर्च करना है pikmaker.com। आपको ध्यान देना है, स्पेलिंग आपको अच्छे से लिखना है। यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ pikmaker.com। आपको ये चीज़ जरूर आपको लिखना है, आपको ध्यान रखें कि यही चीज़ लिखना है, या मैं जो है इसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आपको सर्च करना है, और सर्च करने के बाद देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर आपका लिंक आ जाएगा, यहाँ पर आपको जो है इस पर जो है सिंपली क्लिक कर देना है। तो मैं इस पर जो है क्लिक यहाँ से कर देता हूँ। तो जैसे ही क्लिक करूँगा जो है आपके सामने ये वेबसाइट जो है ओपन होगा, यहाँ पर आ जाएगी इस तरीके से, जो यहाँ पर आपको देखिए लोड ले रहा है, तो हमें वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए यहाँ पर हमारी वेबसाइट ओपन हो चुकी है, और यहाँ पर आपको साइनअप कर लेना है। साइनअप करके आप फ्री में सब कुछ यूज कर सकते हो। सो यहाँ पर मैं जैसे ही साइनअप या जो या स्टार्ट डिजाइन फॉर फ्री पर क्लिक करते हैं, तो आपको यहाँ पर साइनअप को बोलेगा, तो यहाँ पर आपको जो है अपना अकाउंट बना लेना है। तो यहाँ पर जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर देखिए मैंने अपना जो है अकाउंट बना लिया है। तो मैं देखिए यहाँ पर लॉगिन हो चुका हूँ, और यहाँ पर देखिए मेरा जो है अपना आईडी भी यहाँ पर दिखा रहा है। सो यहाँ पर आपको बहुत सारा ऑप्शन जो है मिल जाता है। यहाँ बगल में देखिए यहाँ पर बहुत सारा आप जो है इंस्टाग्राम, फेसबुक या कुछ भी आप पोस्ट बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। जैसे कि मुझे यूट्यूब थंबनेल बनाना है, तो मैं यहाँ पर यूट्यूब थंबनेल पर क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं यूट्यूब थंबनेल, बैनर, लोगो, बहुत सारा चीज़ मिल जाता है। तो यहाँ पर मेरा यूट्यूब थंबनेल लिखा हुआ आ रहा है, और यहाँ पर देखिए यूट्यूब थंबनेल रिलेटेड यहाँ पर बहुत सारा जो है आपको टेम्पलेट मिल जाएगा देखने को। आप इस टेम्पलेट में यूज करके और अपना वर्ड लगाकर और यहाँ पर जो है अपना फ़ोटो यूज करके आप जो है बना सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर अपना जो है एक टेम्पलेट जो है अपना खोज लेता हूँ। सो देखिए मुझे जो है ये टेम्पलेट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है, ये बीच वाला जो है ऑनलाइन बिजनेस मोटिवेशन, मुझे ये जो है बहुत ही अच्छा टेम्पलेट लगा है। तो मैं इसको यूज करूँगा, तो इस पर यूज पर क्लिक करूँगा, और इस जैसे यूज पर क्लिक करूँगा ये मेरा नए विंडो में जो है ओपन हो जाएगा। और जैसे ही ओपन हो जाएगा यहाँ पर जो है आपको क्या करना है कि सारे टेक्स्ट को जो है आपने चेंज कर लेना है। जिस भी आप थंबनेल पर जो भी लिखना चाहते हैं वो टेक्स्ट को आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको चेंज करके दिखाता हूँ। यहाँ पर जो है ऑनलाइन है, तो यहाँ पर मैं लिखना चाहता हूँ हाउ टू। सो आपको जो है ऑनलाइन पर डबल क्लिक करना है, और यहाँ से जो है आपको टेक्स्ट को यहाँ से हटा लेना है, और यहाँ से आप जो भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ हाउ टू, तो मैंने यहाँ पर हाउ टू लिख लिया। और इसके बाद यहाँ पर कहीं भी क्लिक करेंगे तो आप जो है उसको जो है आपका सेव हो जाएगा। वैसे ही मैं बिजनेस को भी यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ हाउ टू अपलोड वीडियो, यहाँ पर लिख लेता हूँ, क्योंकि मेरा जो है हाउ टू अपलोड वीडियो ऑन यूट्यूब, ये जो है हमारा थंबनेल बनाना है। तो मैं जैसे कि यहाँ पर लिख लेता हूँ हाउ टू अपलोड वीडियो। तो देखिए जैसे मैं इतना बड़ा लिखता हूँ तो यहाँ हमारा दो लाइन में आ गया। तो यहाँ पर आपको एक कर्सर दिखेगा, जैसे ही आप इस पर अपना माउस का या अपने जो है अपने मोबाइल में करते हैं, तो यहाँ पर आपको मोबाइल का फिंगर ले जाना है, और यहाँ से क्रॉस करेंगे तो यहाँ पर ये जो है आपका बड़ा हो जाएगा, और इस तरीके से टेक्स्ट जो है आपका हॉरिजॉन्टल में आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप इस पर क्लिक करके और अपने अनुसार जो इसको जहाँ भी फिट करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर अपने कंप्यूटर के जो है अपने माउस से यहाँ से फिट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर देखिए हाउ टू अपलोड वीडियो हो गया, और यहाँ पर लिखूँगा ऑन, यहाँ पर लिखूँगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पर ऑन लिखूँगा, तो देखिए यहाँ पर मैं ऑन लिख लेता हूँ, और ऑन लिखने के बाद ये जो है हम हटा देते हैं कोई मैसेज है। सो ऑन लिखने के बाद यहाँ पर आपको इसको इस तरह से एडजस्ट कर लेना है, और एडजस्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अपने अनुसार एडजस्ट करना है। और यहाँ पर मुझे चाहिए यूट्यूब का जो है लोगो चाहिए। सो यूट्यूब के लोगो के लिए आपको यहाँ पर देखिए बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है। सो आपको यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट का ऑप्शन नीचे मिलेगा, और यहाँ पर देखिए आपको एक नीचे ऑब्जेक्ट का ऑप्शन मिलेगा। आप इस ऑब्जेक्ट पर क्लिक कीजिएगा, और जैसे ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पर देखिएगा आइकन ऑप्शन आएगा, और यहाँ पर आप कोई भी आइकन सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ यूट्यूब, तो यहाँ पर देखिएगा यूट्यूब का जो है आइकन हमको देखने को मिल जाएगा। तो देखिए यूट्यूब का ये बहुत सारा आइकन है, आप कोई भी इसमें कर सकते हैं। जैसे कि मुझे ये यूट्यूब का आइकन अच्छा लगा है,
तो मैं इसको यूज करना चाहता हूँ, तो मैंने इस पर जैसे क्लिक किया ये आ गया। और यहाँ से मैं जो इसको छोटा बड़ा कर सकता हूँ, और इस पर क्लिक करके और मैं इसे कहीं भी अपने जो है अपने स्क्रीन पर जहाँ भी फिट करना चाहता हूँ यूट्यूब को लगा सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर लगाना चाहता हूँ, तो मैं इस पर क्लिक करके यहाँ से छोटा बड़ा साइज करके और इसे फिट कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो है अपने वीडियो का जो भी मैंने निश था मेरा वीडियो का, तो वो मैंने लिख लिया है हाउ टू अपलोड वीडियो ऑन यूट्यूब, यह देखिए मैंने लिख लिया। और यहाँ से जो है अपने अनुसार जो है इसको अपने माउस या अपने फिंगर के जो है, आप मोबाइल में कर रहे हैं तो अपने फिंगर से, और अपने जो है लैपटॉप या कंप्यूटर में कर रहे हैं तो अपने माउस से इसको जो है इधर उधर कर सकते हैं टेक्स्ट को अपने साथ। देखिए यहाँ पर ये हो गया है। इसके बाद यहाँ पर मैं नीचे का भी टेक्स्ट यहाँ पर जो है एडिट करूँगा, और इस व्यक्ति को मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करके और यहाँ से डिलीट करके इसको डिलीट कर दूँगा। बाद में मैं इसको डिलीट कर दूँगा, सो इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ से डिलीट पर इस पर क्लिक कर दूँगा। सो अभी इसको हम बाद में डिलीट करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो नीचे लिखा हुआ है सबसे पहले इसको हम चेंज कर लेते हैं। सो यहाँ पर मैं टाइटल यहाँ पर लिख लेता हूँ और एक लिख लेता हूँ, इसको एडजस्ट कर लेता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पर देखिए मैंने टाइटल लिखा और एडजस्ट कर लिया, और जैसे ही मैं इसको अब इस पर क्लिक करूँगा और मुझे कॉपी करना है इसको, तो यहाँ पर देखिए अरेंजमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है इधर आप स्क्रीन पर इधर जहाँ भी इसको करना चाहते हैं यहाँ से क्लिक करके कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इसका कॉपी करना है, जैसे कि टाइटल है और मैं इसका चाहता हूँ कि सेम कॉपी हो जाए एक और, इस पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर डुप्लीकेट का एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे डुप्लीकेट का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर एक टाइटल और आ गया है। सो मैं इसको जो है अब यहाँ पर इसके टेक्स्ट को हटा कर यहाँ पर अपना दूसरा टेक्स्ट जो है लगा लेता हूँ। तो यहाँ पर लगा लेता हूँ टैग, तो देखिए यहाँ पर मैंने टैग लगा लिया, टाइटल टैग। इसके बाद यहाँ पर मैं एक डिस्क्रिप्शन लिख लेता हूँ और इसी तरह से कॉपी करके और एक जो है अपना हैशटैग लिख लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस तरीके से कर दिया है। अब दोस्तों जैसे ही आप ये सब कर लेते हैं और आप चाहते हैं कि ये जो है आप सब लिखने के बाद आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली ये सारा आपका फिट हो जाए, तो आप ऑटोमेटिकली यहाँ से देखिए जैसे कि पीछे वाला बैकग्राउंड है, और या इसका जो है आप यहाँ से कोई शैडो देना चाहते हैं तो कोई शैडो भी लगा सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ से शैडो लगा रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर आपको शैडो लगाने के लिए नहीं बताऊँगा, मैं आपको एक और इसमें टेक्निक बताता हूँ। सो अगर आप चाहते हैं कि ये सारा अपने ऑटोमेटिक चेंज हो जाए, तो यहाँ पर देखिए आपको मेड ऑल पर जो है क्लिक करना होता है, लेकिन सबसे पहले आपको फॉन्ट पर क्लिक करना होता है, और फॉन्ट पर क्लिक करने के बाद आपको वेट करना होता है। सो यहाँ पर मैंने जैसे फॉन्ट पर क्लिक किया, मैंने वेट करा, और तो वेट करने के बाद आप फिर से आपको जो ऊपर एक ऑप्शन दिखेगा मैड ऑल MADOOL, तो मैड ऑल पर क्लिक कर देना है। तो देखिए यहाँ पर ये जो जनरेटिंग कर रहा है आइडिया अपने आप जो है आपका एक अट्रैक्टिव थंबनेल बनाकर ये दे देगा। तो आप देख सकते हैं कि मुझे ये थंबनेल बनाकर दे दिया है। इसके बाद मैंने इस जो यहाँ पर आदमी था पर्सन था मैंने उसको हटा दिया है। यहाँ पर जो है मैं इसका सबसे पहले बैकग्राउंड चेंज करना चाहता हूँ जो कि यहाँ पर था, तो पीछे आपको निजी आपको मिल जाएगा बैकग्राउंड का ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको बहुत सारा ऑप्शन जो है बैकग्राउंड में मिल जाता है, फ्री भी है प्रीमियम भी है, आप जो भी यूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर अपने अनुसार जो चूज कर लेता हूँ, जो यहाँ पर सी ऑल पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर बहुत सारे आपको देखने को मिल जाते हैं फ्री में। सो यहाँ पर मैं अलग अलग चेक कर लेता हूँ कि कौन सा मुझे अच्छा लगता है। सो मैं जो यहाँ पर अलग अलग क्लिक करता हूँ, और जैसे कि मुझे ये देखिए बहुत अच्छा लगा तो मैंने इसको जो है सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद इसको सिलेक्ट करने के बाद अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपना यहाँ पर फोटो अपलोड करूँ। सो यहाँ पर देखिए अपलोड सेक्शन मिल जाएगा आपको, आपको इस पर क्लिक करना है अपलोड पर, और जैसे मैंने अपलोड पर क्लिक किया यहाँ पर जो है आपको देखिए क्या करना है, अपलोड यहाँ पर एक बटन दिख जाएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे अपलोड करेंगे आपको ये जो है आपके फाइल में लेकर चला जाएगा, और आप जो भी जहाँ पे फोटो जो रखेंगे आपको इस पर सिंपल क्लिक करना है, और यहाँ से आपको नीचे एक ओपन का ऑप्शन दिखेगा, आपको ओपन कर लेना है। या अगर मोबाइल में करते हैं तो आपको सीधे ही आपको गैलरी में ले जाएगा, और गैलरी में आप सेलेक्ट करके और ओके कर दीजिएगा तो आपका फ़ोटो सेलेक्ट हो जाएगा। सो मैं कंप्यूटर में कर रहा हूँ ताकि बड़ा बड़ा आपको दिखाई दे। जैसे यहाँ पर अपलोड होगा तो देखिए यहाँ पर ये फोटो आ गया, और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये फोटो आपका जो है थंबनेल पर आ जाएगा। अब इस फोटो को आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ से जो है अपने फ़ोटो को इस कर्सर के माध्यम से जो है अपने जो है जो भी फोटो है मैं उसको एडजस्ट कर लेता हूँ यहाँ से। तो मैं इस फोटो को यहाँ से इस तरीके से जो है एडजस्ट कर लेता हूँ अपने हिसाब से, आपको भी इस तरीके से कर लेना है। मैंने ये जो है फ़ोटो अलग तरीके अलग जो जगह से मैंने बना कर लाया था अपना खींच के, तो देखिए यहाँ पर मेरा फ़ोटो जो है हमारा फिट हो चुका है। अब इसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये जो है मेरा फ़ोटो और इसके बीच में जो है मैं यहाँ पर एक बीच में लाइन लगाना चाहता हूँ, तो इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो मेरा फ़ोटो है ये जो मैंने फ़ोटो अपलोड किया है इसको मैं पहले बैकग्राउंड के पीछे भेजना चाहूँगा। सो आपको यहाँ पर अरेंजमेंट पर क्लिक करना है, और यहाँ पर जैसे ही बैक पर क्लिक करेंगे तो ये जो है आपका फ़ोटो जो है बैक साइड में चला जाएगा। देखिए यहाँ पर मेरा जो है फ़ोटो बैक में चला गया है, और मैं जो है एक नीचे यहाँ पर जो है आपको लाइन दिख रहा था मैं इसको जो है कॉपी कर लिया यहाँ से, और कॉपी करने के बाद जो है मैं इसको जो है सिम
ये फ़ोटो है और टेक्स्ट के बीच में मैं यहाँ पर लाऊंगा। देखिए मैंने यहाँ पर इसको ला दिया है और लाने के बाद इसको मैं बीच में यहाँ पर कर लेता हूँ और इसकी साइज को मैं यहाँ से इस तरीके से बढ़ा लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये साइज बढ़ गया और ऊपर मैं इसकी इस साइज को बढ़ा लेता हूँ और इस साइज को बढ़ाने के बाद मैं इसको जो फिट कर लेता हूँ अपने हिसाब से। सो आपको भी इस तरीके से कर लेना है आप अगर करना चाहते हैं तो मैंने यहाँ से देखिए फिट कर लिया और फिट करने के बाद आपको इस पर इस तरीके से क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए एक कलर का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है और आप जो भी कलर लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर येलो कलर लगाया तो यहाँ पर देखिए ये हमारा थंबनेल बनकर रेडी हो चुका है। अब इस थंबनेल को डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना होगा, ये आपको देखिए सबसे यहाँ पर मेरा थंबनेल बनकर रेडी हो गया है। अब इसको डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के लिए आपको देखिए ऊपर यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पर सिंपली क्लिक करना है। सो आप जैसे डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारा आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आपको फिर से डाउनलोड पर क्लिक करना है और यहाँ पर PNG आएगा सेलेक्ट, तो आपको यहाँ पर JPEG में सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से जो है आपको डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही डाउनलोड पर क्लिक करेंगे यहाँ पर जो है आपका 100% हो जाएगा, तो आपको डाउनलोड यहाँ पर नीचे कॉर्नर में हो जाएगा। तो देखिएगा आपको मैं दिखाता हूँ कैसा मेरा थंबनेल बना हुआ है। तो यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर मैंने क्लिक किया यहाँ पर देखिए नीचे डाउनलोड हो रहा है। सो डाउनलोड करने के बाद मैं इसको जो है शो इन फोल्डर में क्लिक कर देता हूँ और शो इन फोल्डर पर करने के बाद यहाँ से जो है मैं इसको कट कर लेता हूँ और कट करने के बाद मैं अपने डेस्कटॉप पर पेस्ट करके आपको जो है दिखा देता हूँ कि मेरा जो है थंबनेल कैसा बना है। तो मैंने यहाँ पर डेस्कटॉप पर पेस्ट किया और पेस्ट करने के बाद रिफ्रेश करके और यहाँ से जो है इसको मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो देखिए मेरा थंबनेल इस तरीके से बना हुआ है और बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही प्रोफेशनल थंबनेल मेरा बन चुका है। सो आप इस तरीके से जो एक हाई क्वालिटी और एक प्रोफेशनल थंबनेल बना सकते हैं। जो भी मैंने वीडियो में स्टेप बताया अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई वहां पर देने की पूरी कोशिश करूंगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और हमारे ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं तक रहते हैं, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।